दोस्तों संदीप माहेश्वरी ने पहली बार जब स्टॉक स्कैम बिजनेस की वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, लेकिन वो वीडियो वायरल तब हुई जब विवेक इंद्रा ने उस पर रिप्लाई दिया था। तभी स्कैम बिजनेस के इस मामले ने आग की तरह रफ्तार पकड़ी थी। दोस्तों संदीप माहेश्वरी ने विवेक इंद्रा की दुकान को तो लगभग बंद करवा ही दिया है। यह मामला फिर से एक बार रफ्तार इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो अपलोड करी है जिसमें उन्होंने शेयर मार्केट को एक्सपोज कर दिया है। ऐसे लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसमें से 90% से ज्यादा जो दिखा रहे हैं उसकी रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। भाई जिस बंदे के YouTube पर 28 मिलियन सब्सक्राइबर होते हुए भी उसने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रखा, उसे पैसों की ताकत दिखाना तो कुछ ऐसा होगा जैसे कौन है ये लोग। और आपको पता है शेयर मार्केट के रखवाले इंटरनेट पर आजकल छाए रहते हैं। उन्हीं रखवालों में से एक जो सोनू शर्मा है उसने अपना रिप्लाई भी दे दिया है, और उस रिप्लाई के बाद ये कंट्रोवर्सी कहां तक जाने वाली है दोबारा से इसका कोई भरोसा नहीं है। एक बार आप ये वीडियो देखिए। और इस दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन ही नहीं है जिसमें फ्रॉड ना हुए हो। आप मेडिकल लाइन में चले जाओ, आपको क्या लगता है मेडिकल लाइन में फ्रॉड नहीं होते? हॉस्पिटल चले जाओ आप, दुनिया भर की फिल्में बनी हुई हैं, कमाल होता है कि नहीं होता यार? होता है। आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख लो, बिल्डर आपके नोएडा में, दुनिया भर के बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने साला पैसा ले लिया, लोगों का फ्लैट नहीं दिया, मैं क्या फ्रॉड नहीं हुए? हुए हैं। एजुकेशन लाइन में चले जाओ, फेक डिग्री मिलती है कि नहीं मिलती? दोस्तों इस वीडियो में सोनू शर्मा साफ साफ ये कह रहा है कि स्कैम तो हर जगह हो रहा है, मैं क्यों अकेला थोड़ी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ सोनू शर्मा जानबूझकर ये सब कर रहा है। दोस्तों ऐसे लोग हमारी गरीब जनता को लूटते जा रहे हैं, हम जैसे लोग इनकी दो चार मोटिवेशन लाइनों से प्रभावित हो जाते हैं और उनको बहुत बड़ा 30 मार खान समझने लगते हैं। दोस्तों सच्चाई तो ये है, दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी फेंकता है वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखता है, उसके बाद दुनिया का देखता है। दोस्तों सोनू शर्मा जैसे लोगों का बिजनेस मॉडल यही होता है कि अपना पैसा और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाओ, लोगों को इंप्रेस करो। दोस्तों इस कंट्रोवर्सी में आप किसके साथ हो कमेंट में जरूर बताना, और सोनू शर्मा जैसे लोगों की दो चार मोटिवेशनल लाइनों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।